हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं प्रकाश। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट में जॉब अपॉर्चुनिटीज रिलीज की गई है। काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रिलीज की गई है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप बी पोस्ट की। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर के पोस्ट में टोटल 418 वैकेंसीज रिलीज की गई है। ये ग्रुप बी पोस्ट आती है। अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है, लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और यहाँ पे आपको लेवल 8 का पे स्केल मिलता है। ग्रुप ए पोस्ट की बात करें तो ईपीएफओ में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पोस्ट में वैकेंसी रिलीज की गई है। टोटल 159 वैकेंसी रिलीज की गई है और यहाँ अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। ग्रुप ए पोस्ट है, यहाँ पे आपको लेवल 10 का पे स्केल मिलता है। तो दोनों ही जो जॉब्स हैं, ग्रुप बी पोस्ट एंड ग्रुप ए पोस्ट, दोनों में सैलरी बहुत अच्छी मिलती है एंड दोनों बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, बहुत ही बेहतरीन जॉब्स है। ईपीएफओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर के पोस्ट में पिछले कुछ ईयर्स में वैकेंसी रिलीज की गई थी, लेकिन जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है यानी कि एपीएफसी की जो पोस्ट है, इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इस बार देखने को मिल रही है एंड 159 वैकेंसी निकली हुई है। ग्रुप ए पोस्ट है, क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है। तो दोनों ही पोस्ट में आप अप्लाई जरूर करना और इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 मार्च रहेगी। अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो जब भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है आप वहां जाके अप्लाई कर सकते हो। अभी फिलहाल इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, बहुत जल्द इसकी डिटेल नोटिफिकेशन भी रिलीज की जाएगी, तो उस समय मैं आपको इसकी सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न एंड जॉब प्रोफाइल के ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना के आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कुछ कन्फ्यूजन रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली हुई है, तो इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। ऑल दी बेस्ट।